ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से फर्जीवाड़ा, आरबीआई ने बैंक खाता धारकों को किंग बना दिया है। तो अब अगर आपके खाते से फ्रॉड होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, अब फ्रॉड के 3 दिन के भीतर बैंक को शिकायत करें और 10 दिन के अंदर बैंक को नुकसान की भरपाई आपको करनी ही होगी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई दूसरा शॉपिंग कर ले या आपके खाते से अचानक पैसे गायब हो जाएं, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि खाता धारक के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई तो नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। अगर गलती बैंक की नहीं किसी थर्ड पार्टी की है तब भी बैंक को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक ग्राहक के बैंक खाते से फर्जी लेन देन हुआ है, अगर वो 3 दिन के भीतर बैंक को जानकारी देता है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ग्राहकों को 10 दिन के भीतर उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। आरबीआई ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर ग्राहक बैंक खाते से फर्जी लेन देन की शिकायत 4 से 7 दिनों के अंदर करते हैं तो ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की देनदारी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये फ्रॉड ग्राहक की गलती से हुआ और शिकायत भी नहीं कराई गई तो पूरा नुकसान ग्राहक को उठाना होगा। बैंक को ग्राहक की शिकायत के 90 दिन के भीतर सुलझाना ही होगा। 90 दिन में न सुलझाने पर ग्राहकों को नियम के मुताबिक पेमेंट देनी होगी। फर्जी ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिनमें ना तो बैंक की गलती होती है ना ही ग्राहकों की। इस केस में ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बैंक ही नुकसान की भरपाई करेगा। बैंक को इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का इंतजार किए बिना ग्राहक को भुगतान करना होगा। आरबीआई ने किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंकों के लिए रजिस्टर्ड ग्राहकों को एसएमएस भेजना जरूरी कर दिया है। ग्राहक बैंक के एसएमएस का जवाब एसएमएस से दे सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट फ्रॉड होने पर आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।